गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलरामपुर ज़िले के शंकरगढ़ ब्लॉक में। और शंकरगढ़ ब्लॉक के डीपाड़ी नामक जगह पर आया हूँ। डीपाड़ी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो पुरातत्विक स्थल है। और चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। अगर हम यहाँ अवशेषों की बात करें तो 8वीं से 14वीं शताब्दी के शैव एवं शाक्य संप्रदाय के पुरातत्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। और अगर हम खुदाई की बात करें यहाँ, जो उत्खनन का कार्य जो शुरू हुआ था वह 1986 में हुआ था। डीपाड़ी जो है शंकरगढ़ ब्लॉक में आता है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो शंकरगढ़ से 25 किलोमीटर। डीपाड़ी पुरातत्विक दर्शनिक स्थल से संबंधित कुछ यहाँ पर कुछ सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग है वो इसमें लिखा है, स्मारक भ्रमण का समय प्रातः संध्या पूर्व तक, मतलब आप जो है केवल दिन भर में ही यहाँ पर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और उसमें हम आगे अगर चलेंगे तो कुछ इस तरह की जो है यहाँ पर बहुत पुराने जो प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। दसवीं से ग्यारहवीं से आप देख सकते हैं। और इसके सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो डीपाड़ी कन्हर और गलफुला नदी के संगम पर जिसे एक पुरातत्विक स्थल है, जो कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और यह जो है यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है पूरा ये मंदिर फैला हुआ है। और इसमें आप विभिन्न प्रकार की विभिन्न शताब्दियों, जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी, सभी शताब्दियों से संबंधित कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर पुरातत्व के अवशेष मिलेंगे। और चलिए हमारे साथ यहाँ के पुरातत्व का और उनके उपस्थित अवशेषों का आनंद लीजिए। डीपाड़ी में जो खुदाई जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ की जो खुदाई स्टार्ट हुई थी वो सन 1986 में खुदाई स्टार्ट हुई थी। और यहाँ जो है जनश्रुति के अनुसार ये कहा गया है कि राजा टांगीनाथ और सामंत राजा के मध्य जो है युद्ध हुआ था, और जो जिसमें वीरगति, राजा की वीरगति प्राप्त होने के पश्चात जो है उनकी जो रानियाँ थी उनके द्वारा यहाँ जो है बावड़ी में कूद कर जो है आत्महत्या कर ली गई थी। इस वजह से इस जगह का नाम जो है सामंत सरना जो है कर दिया गया है। और यहाँ का जो पूरा देख सकते हैं किस तरह की कलक मूर्तियाँ हैं, और ये 9वीं से 10वीं शताब्दी की पुरानी जो है मूर्तियाँ हैं। और आगे कुछ और अवशेष हैं, चलिए हम उसको दिखाते हैं। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिवलिंग जो है बना हुआ है, और ये बावड़ी की तरह है जिसमें एक कुआं जैसा बना हुआ है इधर पे, और साथ में चार जो स्तंभ हैं इधर पे ये, और ये बने हुए हैं। और इधर और मूर्तियों के मंदिरों के ऊपर का भाग है ये कुछ इस तरह का। आइए, यहाँ की जो मेन जो आकर्षण का केंद्र हमेशा जो रहता है डीपाड़ी में वो ये मंदिर है जिसमें शिवलिंग जो है। और इस तरह की जो आप देख सकते हैं स्तंभ हैं, और ये कुछ विभिन्न जो है देवी देवताओं जैसे गणेश भगवान हैं और माँ पार्वती हैं और शिव जी हैं, इनकी तमाम जो है मूर्तियां हैं बनी हुई हैं। और यहाँ का जो मुख्य जो आकर्षण है उसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर यहाँ पूजा और ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। यही वो शिवलिंग है, एक और
यहाँ पर मूर्ति जो है बनी हुई है। अवशेषों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जो है हमारे संस्कृति को और हमारे उनको उजागर करता है कि पुराने ज़माने में लोग जो है इतने आस्था के प्रति, सब भगवान के प्रति इतना आस्था रखते थे। तो आइए, ये लगभग जो टीपाडी का जो स्थल है, पुरातत्विक स्थल है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप हमारे साथ चलिए आगे देखिए। मैं भी हूँ आशीष सर के साथ और अभी हम जो है शंकरगढ़ में मिले और अब ये फ्री थे तो मैं इनको ले आया और ये 4-5 महीने पहले से यहाँ पर हैं और इनको थोड़ा सा आइडिया है बारे अपने यहाँ टीपाडी के बारे में और 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं वो और एक हिसाब से कह सकते हैं लोकल भी हो चुके हैं अभी वो 4-5 महीने में। तो यहाँ के बारे में कुछ वो बताएँगे कि यहाँ की क्या विशेषताएँ हैं और उन चीज़ों को हम जो है किस तरह से अपने छुट्टियों में और खाली समय में हम जो है इनका कैसे हम आकर यहाँ मनोरंजन भी कह सकते हैं एज वेल एज और दर्शन, अपन दर्शन जो है अपना हमारी जो पुरानी संस्कृति है या फिर पुराने जो पुरातत्व हैं उन चीज़ को हम जानने का मौका या फिर हम जान सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये कुछ हमको बताएँगे। सर आइए। सर 1986 में यहाँ खुदाई के दौरान कुछ पुरातत्व विभाग वालों को कुछ मिला यहाँ, बाद में और जांच पड़ताल किए वो लोग तो पता चला कि 19वीं सदी नवीं और दसवीं शताब्दी में के समय का जो यहाँ पे जो कलाकृति और एक जो पुराना मंदिर और ये सब मूर्तियाँ मिली हैं जो कि ये दिखाते हैं, जिसके पीछे कोई कहानी है कि यहाँ दो राजा के बीच में लड़ाई हुआ तो जो राजा हार गया उसकी सारी बीवियाँ एक साथ यहाँ पे कुंडी था, कुंड या फिर अपन बाड़ी कह सकते हैं, बाड़ी हमारे अगर हम लोकल भाषा में कहें तो कुआं कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने सभी ने कूद कर जान दे दिया था और इसी के कारण जो यहाँ का जो नाम है वो जो है सामंत सरना के नाम से जो है कर दिया गया है। और यहाँ की जो मूर्तियों में एक खास बात है कि सभी जीवंत हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो इनका जो पोस्चर है या फिर जो वो दर्शाते हैं कहना चाहते हैं जिसमें उनके द्वारा पूजा करना या फिर और दैनिक क्रियाकलाप कलाप करने की संस्कृति है उस सबको यहाँ दिखाया गया है। तो आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं और आप जो है सपरिवार यहाँ छुट्टियाँ मनाने आ सकते हैं और छुट्टियाँ क्या मनाने, यहाँ की जो पुरातत्व जो हैं, पुरातत्व जो हमारे संस्कृति की जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को जानने और उन सब चीज़ों को देखने और अपने बच्चों को बताने की हमारी संस्कृति कैसी पुरानी थी है और कितनी जो है उस समय में भी मतलब 9वीं-10वीं सदी में भी लोग जो है इतने बड़े बड़े शिक्षित थे कि उन्होंने इस तरह का जो है कलाकृति बनाया। ये तो वो है